तो ये तीन स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, पहला है हमारा तमिलनाडु, दूसरा है हमारा कर्नाटक और तीसरा है हमारा केरला। तो ये तीन स्टेट्स आज हम मैप की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हम देखेंगे, सारी इंपॉर्टेंट रेंज हम देखेंगे, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इन स्टेट्स में पाई जाती हैं। अब इनका थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। ये तीन स्टेट्स हैं, देखें यहाँ, तो यहाँ से आपको दिख रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होता है केरला और अप टिल हियर, यहाँ तक ये केरला यहाँ पर पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, कर्नाटका, ठीक है। केरला ही स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और अप टिल हियर, यहाँ तक ये पहुँचता है। तो ये है केरला हमारा राज्य एक। अब ये है तमिलनाडु का पूरा मैप, होप यू आर गेटिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा तमिलनाडु का मैप है जो यहाँ पर स्टार्ट होता है अप टिल हियर और ये यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, यहाँ तक, कन्याकुमारी तक, यानी सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है ना इंडिया का, इंडियन की जो टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये नहीं है, मगर यहाँ तक हमें सदर्न मोस्ट देखने के लिए मिलता है कन्याकुमारी तक, ठीक है। क्योंकि जो एक हाईवे आता है, हाईवे नंबर 44, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 44, वो श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक पहुँचता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों स्टेट्स हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक ये पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका है हाउस बोट इन बैक वाटर इन केरला। बैक वाटर यानी, अभी मैं आपको समझाऊँ, बैक वाटर वो होता है जो चारों तरफ से जो है ना बाउंड्रीज से घिरा हुआ है, चाहे वो सैंडबार हो या फिर एक बड़ी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो लेक पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सी लेक है अभी हम बात करेंगे, सारी चीज़ें एकदम इत्मीनान से बात करेंगे, आपने ये स्टेट देख ली है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। होप कि आपको सारी चीज़ें ईजिली विजिबल हैं। ये इंडिया का जो है, यानी जो स्टेट्स हैं, ये आपको रेड कलर की जो मार्किंग दिख रही है ना, ये वाली ही मार्किंग जो है ना स्टेट्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है, मतलब अलग कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो मार्किंग है, इससे आप स्टेट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये स्टेट कर्नाटका है, ठीक है, ये जो स्टेट है पूरा का पूरा ये वाला तमिलनाडु है, और ये जो छोटा सा स्टेट पड़ता है, पतला सा एकदम सीख की तरह, ठीक है, एक पतली सी लकड़ी की तरह, वो है केरला, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा फिजिकली जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, सिंपली अगर मैं बात करूँ कर्नाटका से चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्स। अब हम जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है ना, सिग्निफिकेंट रिवर्स, वही सारी रिवर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट रिवर में डोन रिवर आ जाती है। डोन रिवर कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है, और ये भीमा रिवर आ जाती है। भीमा रिवर कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कंगना, कंगना रिवर भी पड़ती है, ठीक है। ये है बैनीतोरा, बैनीतोरा रिवर है, और मुल्लामरी है, और करंजा है, करंजा रिवर, ये सारी रिवर्स भी यहाँ पर पड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और रिवर्स हैं, जैसे कि घाट प्रभा, ठीक है, महाप्रभा, ये ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर आपको दिख रही है, तुंगभद्रा रिजर्वायर भी आपको दिख रही है, ठीक है। तुंगभद्रा रिजर्वायर कहाँ पड़ती है, यहाँ पर ये पड़ती है कर्नाटका स्टेट में। ये मालप्रभा है, मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा यहाँ पर हमने देख लिया, ये रिवर है, ठीक है। ये वराड़ा रिवर है, वराड़ा, वराड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है लिंगा माकी, लिंगना माकी, लिंगन लिंगन माखी। देखिए साउथ में थोड़े से नाम जो है ना टंग ट्विस्टर्स होते हैं हम नॉर्थ वालों के लिए, ठीक है, तो इसलिए मे बी प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, बट आप यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं LINGANAMAKKI, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भद्रा रिजर्वायर, सॉरी, हाँ, भद्रा, भद्रा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, भद्रा है ये, हाँ, भद्रा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये अलग नाम है, ठीक है, ये मैंने इसका यहाँ पर नाम लिख रखा है, जस्ट ये भद्रा रिजर्वायर है, ठीक है। ये भद्रा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है कर्नाटका स्टेट में। सीता रिवर यहाँ पर पड़ती है कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। और ये है वनीविलासा सागर, वनीविलासा सागर कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ये शिमशा रिजर्वायर कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटका स्टेट में पड़ती है। ये चारमार, चारमा राजा, चारमा राजा सागर कहाँ पर पड़ता है, ये
देखिए टंग ट्विस्टर होते हैं तो इसलिए कभी कभी जो नाम है ना वो लेने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। चरमा राजा प्रोनंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकती है, आप मुझे करेक्ट बता दीजिएगा अगर मेरी गलत हो, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस प्रोनंसिएशन, रॉन्ग प्रोनंसिएशन इफ आई मेड एनी मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये कबानोहली रिजर्वार यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पर ये चरमा राजा सागर यहाँ पर पड़ता है, शिमशा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, कृष्णा राजा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है। तो ये रिजर्वायर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजर्वायर यानी सिग्निफिकेंट रिजर्वायर जो कर्नाटका स्टेट में पड़ती हैं। अब देखिए रिवर की बात करें तो वराड़ा रिवर तो यहाँ पर पड़ी गई है, ये वराड़ा रिवर, ठीक है। अब ये देखिए सीता रिवर यहाँ पर पड़ गई, यहाँ पर एक और रिवर है शिमशा रिवर, शिमशा रिवर यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में हमें देखने के लिए मिलती है। हेमवती रिवर हमें यहाँ कर्नाटका में देखने के लिए मिलती है, यागाची रिवर हमें यहाँ पर कर्नाटका में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। भद्रा रिवर तो है ही, ठीक है, भद्रा रिवर और भद्रा रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और तो कोई ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी स्टेट रिवर्स है, ज़्यादा क्वेश्चन इन पे से बनते नहीं हैं, मगर ये सारे के सारे जो रिवर मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिवर हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेट्यू रीजन, बैंगलोर प्लेट्यू रीजन, क्योंकि जो कर्नाटका की राजधानी क्या है, बैंगलोर है, ठीक है। बैंगलोर प्लेट्यू रीजन यहाँ पर पड़ता है। आपने अगर KGF फिल्म देखी है, मूवी देखी है, तो वहाँ पर आपको एक नाम जिक्र होता हुआ दिखाई पड़ा होगा, दैट इज़ दी कोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ही पड़ती हैं ये गोल्ड फील्ड, केरला कर्नाटका में, ठीक है, गोल्ड फील्ड, ठीक है, KGF कोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है। अब देखिए हुकरी प्लेटी यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ है जानने के लिए, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए बाबा भूदान हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं कर्नाटका में, ये पूरी कर्नाटका प्लेटी पड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ पड़ गई, ये चीज़ आपने देख ली। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कावेरी फॉल्स यहाँ पर पड़ता है यानी वाटरफॉल यहाँ पर पड़ता है, और ये देखिए काबानी रिवर कर्नाटका और केरला में, ये इंटर स्टेट रिवर है, इंटर स्टेट रिवर, ठीक है, ये समझ में आपको बात। तो यहाँ पर ये काबानी रिवर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। कावेरी रिवर देखिए यहीं से जा रही है, यहाँ पर ये आकर जो है ना, ये देखिए ये कावेरी डेल्टा यहाँ पर फॉर्म करती है, तो कावेरी रिवर यहाँ पर आती है, ठीक है। और कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब कर्नाटका में एक सबसे जो ऊंची पीक पड़ती है, जो हाईएस्ट पीक है, वो है कुद्रेमुख 1892 इसकी मीटर हाइट है, ठीक है। यहाँ पर आयरन माइनिंग हुआ करती थी, मगर अभी फिलहाल के लिए स्टॉप है। यहाँ पर एक कमेटी गठित करी गई थी, दैट इज़ दी गडगिल कमेटी, जो वेस्टर्न घाट से जो रिलेटेड चीज़ें थी ना, उसने रिकमेंडेशन दी थी, वो रिकमेंडेशन हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब हम तमिलनाडु स्टेट को देख लेते हैं, और भी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, जी नहीं, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, कृष्णा रिवर भी आपको यहीं से ओरिजिनेट हुए होती ही दिखेगी, कृष्णा रिवर यहाँ पर, कृष्णा रिवर की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, घाटप्रभा, महाप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, और ये मालप्रभा हो गई, ठीक है। और तुंगभद्रा भी यहाँ से, तुंगभद्रा रिजर्वायर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे तमिलनाडु की तरफ। अब देखिए तमिलनाडु में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज़, तमिलनाडु यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और अप टिल हियर यहाँ तक जाता है यहाँ पर, ठीक है, केप कोमोरिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रिवर है, अराना रिवर यहाँ पर पड़ती है, अराना रिवर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली। और केवेली रिवर यहाँ पर पड़ती है, केवेली रिवर यहाँ पर पड़ती है, जवादी हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं, जवादी हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं, तमिलनाडु में पड़ती हैं। और ये देखिए मेलागिरी रेंज यहाँ पर पड़ती है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में मेलागिरी रेंज। अब देखिए कृष्णगिरी रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है तमिलनाडु में, ठीक है। अब यहाँ पर और भी रिजर्वायर हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए एक आपको नाम दिख रहा होगा, होगन कल फॉल्स यानी एक वाटरफॉल यहाँ पर पड़ता है, होगन कल फॉल्स, ठीक है। और जो दूसरा जो अभी एक मैंने आपको बताया था कावेरी फॉल, यहाँ वो यहाँ पर पड़ता है कर्नाटका में, ये होगन कल फॉल जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये एक स्टेनली रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, स्टेनली रिजर्वायर, और यहाँ पर कृष्णगिरी रिजर्वायर तमिलनाडु में पड़ती है, ये है सथनूर रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है तमिलनाडु में, ठीक है। ये विलिंगडन रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है तमिलनाडु में, और यहाँ पर ये
और कौन सी रिजर्वायर है? एक और थी, आई फॉगट, आई डिड नॉट फॉगट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भवानी सागर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, भवानी सागर यहाँ पर पड़ता है, भवानी सागर, ठीक है, आपको दिख रहा है भवानी सागर, ठीक है, यहाँ पर ये भवानी सागर है, ठीक है। देखिए कावेरी नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं पंचमलाई हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं तमिलनाडु में, पंचमलाई हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर ये है सिरुमलाई हिल्स भी यहाँ पर पड़ती हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और ये देखिए पालानी हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं तमिलनाडु में, पालानी हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं। अब ये देखिए ये है वारुसिंध हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, यानी इंटर स्टेट हिल्स हैं ये यहाँ पर। ये यहाँ पर पड़ती हैं कार्डेमम हिल्स, ठीक है, कार्डेमम। इसलिए क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है ना कार्डेमम और जो क्लोव वगैरह है, पेपर वगैरह है, ज़्यादा उगाए जाते हैं यहाँ पर भी हैं। कार्डेमम हिल्स, ये भी कार्डेमम हिल्स हैं, ठीक है, ये भी कार्डेमम हिल्स हैं। और यहाँ पर है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है पालाघाट गैप, ठीक है, पालाघाट गैप जो तमिलनाडु और केरला में एक गैप बनाता है जहां से आने जाने का रास्ता है। नीलगिरी हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं? तमिलनाडु और केरला के बीच में, ठीक है। अब ये हमने रिजर्वायर और रिवर देख ली, रिवर देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। ये कवेली रिवर है, ये पालर रिवर है, ठीक है, ये अराना रिवर है, ये वैगई रिवर है, ये अर्जुना रिवर है, ठीक है, ये वाजपर रिवर है, और ये गुनार रिवर है, ठीक है, बाकी बहुत सारी हैं। वेलियार रिवर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कावेरी रिवर भी अपना डेल्टा फॉर्म करती है तमिलनाडु में ही, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इजीली। अर्जुना रिवर यहाँ पर पड़ती है, अर्जुना रिवर, ठीक है। और ये तिरुनवेली, ये देखिए पापनसम रिजर्वायर यहाँ पर पड़ती है, पापनसम रिजर्वायर, और ये चित्तार रिवर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, और नए नोइल नोइल रिवर यहाँ पर पड़ती है। नोइल रिवर आपने देख ली, ठीक है, यहाँ भवानी सागर आपने देख लिया। ये देखिए डोडा बेटा आप देख पा रहे हैं, डोडा बेटा एक पीक है 2636 मीटर की, यहाँ पर पड़ती है कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। मगर यहीं पर एक पीक नीलगिरी हिल्स में ये पाई जाती है डोडा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये लेक पड़ रही है, ये देखिए अर्नकुलम यहाँ पर ये लेक पड़ रही है, यहाँ पर वेम्बडन लेक यहाँ पर पड़ती है, और पेम्बियार रिवर यहाँ से गुजरती है केरला में। और यहाँ देखिए ये है चनकोव रिवर यहाँ से गुजरती है, ठीक है, ये पेरियार रिवर यहाँ पर होगी, ये पेम्बियार है, ये पेरियार है, पेरियार एक जो कहते हैं ना हमारे जो साउथ में एक जो दलित कम्युनिटी जो हुआ करती थी SC ST के लिए, तो उन्होंने इन यहाँ पर मुहिम चलाई थी, तो यहाँ पर जो मुहिम थी उनकी अगुवाई करी थी पेरियार जी ने, ठीक है, पेरियार जी ने अगुवाई करी थी, तो ये दलितों के मसीहा हुआ करते थे साउथ में, ठीक है। तो यहाँ पर SC ST की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपने यहाँ पर देख रही है ना पेरियार रिवर यहाँ पर पड़ती है, पेरियार रिवर, ठीक है, ये केरला स्टेट है, ठीक है। चालाकुदी रिवर यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, ये चालाकुदी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये माहे पड़ती है पुडुचेरी, ठीक है, सैक्रिफाइस रॉक यहाँ पर पड़ती है, और मल्लापुरम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, त्रिशूर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, और ये वेम्बडान लेक हो गई, ये लेक अस्टाई अष्टमुडी हो गई, लेक अष्टमुडी, देखिए यहाँ पर अब देखिए लेक अष्टमुडी हो गई, ये अगस्त्या मलाई यहाँ पर एक रिजर्वायर भी पड़ती है, और यहाँ सॉरी रिजर्वायर नहीं, एक टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क भी पड़ता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ पर एक केरला की राजधानी हो गई, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है ये कहाँ गई, चेन्नई कहाँ है भाई, चेन्नई, ये नहीं देखिए ये नहीं चेन्नई, देखिए भूल जाता हूँ कभी मैं, ठीक है, ये चेन्नई है। और ये आप देख रहे हैं ये है कोरमंडल कोस्ट, ठीक है, ये कोरमंडल कोस्ट है पूरी की पूरी। अब यहाँ पर देखिए बम्बान चैनल यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, फ्रॉम कार्डेमम कल्टिवेशन, इसलिए यहाँ पर ये कार्डेमम कल्टिवेशन के द्वारा ही यहाँ पर इसको जो हिल है यहाँ पर कार्डेमम हिल्स का नाम दिया गया है। पर्ल्ड बैंक यहाँ पर पड़ता है, पाक बे से बोलते हैं, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक बे पड़ती है, इसको बोलते हैं पाक बे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार किसको अलग करती है, दो कंट्रीज को अलग करती है, श्रीलंका और ये इंडिया को अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइएस्ट पीक है,
हाईएस्ट पीक नीलगिरी पहाड़ी में, सॉरी यहाँ पर ये क्या नाम है, ये इनका अन्नमलाई, अन्नमलाई रेंज में यहाँ जो हाईएस्ट पीक है ये ही है, ठीक है। क्या है? अन्नाई मुडी, देखिए अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। सॉरी देखिए कभी कभी जो ना हो जाता है, ठीक है, आप बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ की। साउथ की जो एक रिवर है कावेरी, इसको बोला जाता है ओनली पेरिनल रिवर, इसे साउथ की गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि ये ही एक ऐसी रिवर है जो वेस्टर्न साइड में हमें देखने के लिए, वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में हमें इसको हम देखते हैं कि ये ड्रेन होती है ईस्टर्न साइड में, और ये कहाँ कहाँ से होती हुई गुजरती हुई आती है, कर्नाटका और तमिलनाडु से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें तो अभी और कुछ देखने के लिए नहीं बचा है। यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ डोडा बेटा यहाँ पर है, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ इसकी, और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ये अन्नाई मुडी, कहाँ पर पड़ती है ये अन्नामलाई, अन्नामलाई रेंज में पड़ती है, अन्नामलाई हिल्स में पड़ती है। ये पालानी हिल्स हैं, ये सिरुमलाई हिल्स हैं, ठीक है, सिरुमलाई हिल्स हैं, यहाँ पर ये कार्डेमम हिल्स हैं, ठीक है, ये कार्डेमम हिल्स हो गई, ये हैं वारुसिंध हिल्स, ये कार्डेमम हिल्स हो गई, ठीक है, ये पालाघाट गैप हो गया जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता तमिलनाडु को और केरला को, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये भवानी सागर यहाँ पर पड़ गया, ये कावेरी रिवर, आप देखिए यहाँ पर ये तुंगभद्रा रिवर जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की काफ़ी सारी, भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी कावेरी रिवर है, ऊपर हमने देखी थी ये माउथ आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर जो कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ड्रेन होती है, कहाँ पर जाकर, अरे वो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये इसकी राजधानी है, ठीक है, ये नीचे राजधानी आप देख रहे हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर ये इसकी राजधानी है चेन्नई, ठीक है, ये चेन्नई, और यहाँ पर ये इसकी राजधानी है बेंगलुरु आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसका पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो और भी कुछ पता है? नहीं, शिवरॉय हिल्स यहाँ पर पड़ती हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम पॉलिटिकल मैप पर आ गए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टाउन्स एंड सिटीज़ हैं जिन पर मैंने टिक कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तमिलनाडु की चेन्नई है, ठीक है, और केरला की क्या है, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर केरला की राजधानी है। तो यहाँ पर कर्नाटका में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेदार हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है, रायचूर हिस्टोरिकल साइट है, बेलारी एक इंपॉर्टेंट सिटी है और डिस्ट्रिक्ट भी है, कहाँ क्यों हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आए दिन हमेशा हमें कभी कभी हमें न्यूज़ में भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। हरिहर यहाँ पर एक ये हिस्टोरिकल साइट है, और ये देवनागरी ये भी एक हिस्टोरिकल साइट के रूप में है, चित्रादुर्गा भी हिस्टोरिकल साइट है, और शिवमोगा भी एक हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है, और यहाँ पर कुद्रेमुख भी एक हिस्टोरिकल साइट है, और चिकमंगलूर भी एक हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है, और यहाँ पर श्रवणा बेलगोला जैन साइट है ये, ठीक है, ये जैन साइट है। मैसूर जो टीपू सुल्तान और हैदर अली से रिलेटेड यहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल साइट है। नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है, नागरकोले नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड्स यहाँ पर पड़ती हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, ये वाला एरिया कोलार गोल्ड फील्ड्स का। अब ये उदुपी एक सिटी है यहाँ पर पड़ती है उदुपी, ठीक है। मैंगलुरु यहाँ पर पड़ती है, मैंगलुरु पोर्ट बहुत मशहूर है, ठीक है, और कासरगोड यहाँ पर पड़ता है, ये भी हमें न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं हम यहाँ पर तमिलनाडु में आ जाते हैं, तमिलनाडु में सबसे ऊपर हम देखते हैं लेक पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाती है हमारी एन्नोर पोर्ट आ जाती है ये, ठीक है, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस सिटी पड़ती है आवादी, और ये सब बोलते हैं तिरुवल्लूर जो सिटी है वो यहाँ पर पड़ती है, वेल्लोर म्यूटिनी सबसे पहले जो हुई थी 1806 में, ठीक है। मामल्लापुरम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये भी एक हिस्टोरिकल साइट है, हिस्टोरिकल जगह है, ठीक है। यहाँ पर पंचरथ टेम्पल, और ये नेवेली यहाँ पर पड़ती है, और ये चिदंबरम सिटी यहाँ पर पड़ती है, ये सलीम यहाँ पर पड़ता है, एक भी एक इम्पोर्टेंट सिटी है, ठीक है। यहाँ पर कार्यकाल पड़ता है, कार्यकाल अमैयार, ठीक है,
आपने अगर संगम एज पढ़ी है हिस्ट्री में तो आपको पता होगा कार्यकाल वहाँ पर है, कार्यकाल हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी थी। वो बुक कौन से थे जब हम संगम एज पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। नागपट्टिनम यहाँ पर पड़ती है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। नागपट्टिनम यहाँ पर पड़ती है और तिरुवरूर यहाँ पर पड़ती है, तिरुवरूर और तंजुवूर यहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। और तिरुचुपल्ली भी तमिलनाडु में पड़ती है, दिंडीगुल तमिलनाडु में पड़ती है, आए दिन हमें देखने के लिए। मदुरई भी तमिलनाडु पड़ती है। और यहाँ पर देखिए रामनाथपुरम यहाँ पर पड़ता है, रामेश्वरम यहाँ पर पड़ता है, रामेश्वरम, ये रामेश्वरम है, ठीक है, ये रामेश्वरम है, ठीक है। यहाँ पर तिरुन वैली यहाँ पर पड़ती है, तिरुन वैली यहाँ पर पड़ जाती है। और ये देखिए लास्ट पॉइंट ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। अब कोइम्बतूर भी तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। मुट्टपल्लयम यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और केरला में देख लेते हैं हम, केरला में देखें तो मुडुमलाई केरला में पड़ता है, मुडुमलाई, ठीक है। आप देखो, आप देख पा रहे हैं इजीली, ठीक है, मुडुमलाई केरला में पड़ता है। कोझिकोड पोर्ट यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। मल्लापुरम यहाँ पर पड़ता है केरला में। मामल्लापुरम अलग है, ये मामल्लापुरम अलग है और ये मल्लापुरम अलग है, मल्लापुरम अलग है, ठीक है। और ये त्रिशूर भी यहाँ पर पड़ता है, पालक्कड़ यहाँ पर पड़ता है, पालक्कड़ गैप जो भी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। और ये अर्नाकुलम और कोचिन जो पोर्ट पड़ती है यहाँ पर पड़ती है, अर्नाकुलम और कोची पोर्ट, ठीक है। ये कोट्टायम पड़ता है यहाँ पर, कोट्टायम भी एक इंपॉर्टेंट सिटी है। लेक अष्टाईमुटी यहाँ पर पड़ती है, वेम्बडान यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये तिरुवनंतपुरम ये पूरी की पूरी ले ओ सॉरी राजधानी है, ठीक है। कोवलम यहाँ पर पड़ती है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साइट्स जो है वो हमने देख ली। और ये मोटा मोटा अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल पड़ी जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर ये अरेबियन सी पड़ जाता है, ठीक है। इतनी तो बात आपको पता ही है। तो पूरा का पूरा जो मैप है हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है। आगे हम बात करेंगे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से राज्य से टच करते हैं और कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे वाली जो क्लास है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरे जो हमारे जो दो बजते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड स्टेट्स, आइलैंड जो मतलब स्टेट नहीं है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो हम अगली आने वाली क्लास में देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद।